नमस्कार। आज का हमारा विषय है सदैव आनंदमय जीवन कैसे जिया जाए। इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे इसकी प्रक्रिया के बारे में कि कैसे आनंदमय जीवन जिया जाए, और वह प्रक्रिया रहेगी ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान के माध्यम से हम अपना जीवन कैसे आनंदमय जी सकते हैं, हर परिस्थिति में सम अवस्था में रहकर, अंतर से प्रसन्न रहकर हम अपना जीवन कैसे जिए। तो आइए हम ध्यान की इस प्रक्रिया को समझते हैं। पहले आप इसे देखें और उसके बाद ही आप इसका अभ्यास आरंभ करेंगे। आंखें बंद रहेंगी जब भी आप अभ्यास करेंगे। अभी आप देख लीजिए। इस प्रकार से धीमी गति से श्वास लेना और खाली करना, एक रिदम में लगातार आपकी श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी, धीमी गति से और ऐसी शॉर्ट में, ऐसे इस प्रकार से। जब ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद आपको एकदम शांत अवस्था में बैठना है। आपको ध्यान में बैठने के लिए इस प्रकार से मुद्रा बनानी है और ऐसे घुटनों पर रखना है, और उसके बाद हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उसके बाद हम अगली प्रक्रिया करेंगे। उसमें हमें सोहम का नाद करना है। मैं पहले सो बोलूंगी, मेरा पूर्ण हो जाए उसके बाद आप सो बोलेंगे, फिर मैं हम बोलूंगी उसके बाद आप हम का गुंजन करें। जैसे मेरी गति और लय रहेगा वैसा ही आपको करना है। आपको गति वैसे ही रखना है। अगर मेरी गति तेज होती है तो आप भी तेज करेंगे, मेरी गति अगर धीमी है तो आपको भी धीमा ही करना है। और इस दौरान आंखें बंद रहेंगी, मन एकदम शांत रहेगा और मुद्रा आपकी इस प्रकार लगी रहेगी। आंखें खोलने की जल्दी नहीं करना है। जब आपको निर्देश दिया जाएगा तभी आप आंखें खोलेंगे, तब तक आंखें आप बंद ही रखेंगे और ध्यान अपना यहाँ पर केंद्रित रखेंगे। तो आइए हम प्रक्रिया ध्यान की प्रारंभ करते हैं। मुद्रा बनाइए, सीधे बैठ जाइए, गर्दन कंधे सीध में, और आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास लेना प्रारंभ करें। एक रिदम में जारी रखें, चलने दीजिए धीमी गति से। विश्राम, शांत, स्थिर, और जिह्वा को पलट के तालू से टच कर लीजिए। हल्का सा स्पर्श करना है। ध्यान को भ्रकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर स्थिर कीजिए। अब आप मेरे साथ लयबद्ध गति से सोहम का जाप करेंगे। पहले मैं बोलूंगी मेरा पूर्ण हो जाए, उसके बाद ही आप दोहराएंगे। इस प्रकार से हमारा सो और हम का क्रम कुछ देर जारी रहेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद ही रहेंगी,
सो सो हम हम 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 सो 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 हum सो हम 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 सो सो हम 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 सो हum सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हum 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 सo hum 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 सो हम 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 सो हम
हम सो हम एक श्रुत की और जीवा को टर्न करके तालू से टच कीजिए और ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच ब्रह्मकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर स्थिर कीजिए। जीवान को हल्के से तालू से टच करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और अंतर में हमने जो सोहम का जाप किया है उसे श्वास के साथ जोड़ते हुए कुछ देर निरंतर करते रहना है।